फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में तीन डोमेन होते हैं। फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन को हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे अफेक्टिव डोमेन, विच इज सेकेंड डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो अफेक्टिव डोमेन, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन, रिलेट करता है हमारे इंटेलिजेंस पावर से, हमारे माइंड से, हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से, कि हमारे माइंड में कितनी तर्क क्षमता है, कितनी बुद्धि है, कितना हमारे पास नॉलेज है। वैसे ही सेम उससे जो अलग है अफेक्टिव डोमेन, वो हमारा डील करता है एटीट्यूड से, और मेन वो डील करता है हमारी फीलिंग से, वैल्यू से, अप्रिशिएशन से, मोटिवेशन और एटीट्यूड से। देखो, अफेक्टिव डोमेन में बिल्कुल सिंपल सी एक बात याद रखोगे आप, कि अफेक्टिव डोमेन विच इज़ डील विद विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि जो लर्नर है वो खुद को पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि खुद से वो अपने आप को अवेयर रखता है, वो चीज़ों को सीखता है, खुद से इन्वॉल्व होना चाहता है। तो अफेक्टिव डोमेन जहाँ पर जो लर्नर है वो बाकी जो हमारी बाकी जो नॉलेज है, बाकी जो लर्नर्स और उनके साथ इन्वॉल्व होगा, उनसे नॉलेज गेन करेगा, उनको रिस्पोंड करेगा, और जो वर्ल्ड में जो चल रहा है आसपास, उनके करंट अफेयर से भी वो अवेयर रहेगा। तो अफेक्टिव डोमेन जहाँ पर उसकी फीलिंग्स है उनसे डील करेगा, वो साथ साथ इमोशनली डील करता है, वो जैसे कि वैल्यूज़ हो गई, या फिर वो मोटिवेशन भी करेगा, मोटिवेशन की हेल्प भी लेगा, मोटिवेट भी करेगा, खुद भी मोटिवेटेड रहेगा। उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेगा, मीन्स वो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखेगा। तो अफेक्टिव डोमेन सिंपल से तीन बात याद रखोगे, फर्स्ट इज़ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, जहाँ पर वो पार्टिसिपेशन की विलिंगनेस करेगा, मतलब वो उसको पार्टिसिपेट करने की इच्छा होगी उसकी। वो ऐसा नहीं है कि जस्ट वो, मतलब अगर 5% है तो वो अकेला खड़ा रहेगा, उनमें वो पाँचों में पार्टिसिपेट करेगा, वो अकेला नहीं रहेगा। तो अफेक्टिव डोमेन फर्स्ट इज विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, सेकंड वन इज डील विद फीलिंग, वैल्यूज, अप्रिशिएशन, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। ये कीवर्ड्स भी अगर आपको याद रहेंगे तब भी आपका जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि अफेक्टिव डोमेन हमारी फीलिंग से कनेक्टेड रहता है, हमारी वैल्यू से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि कॉग्निटिव हमारी इंटेलेक्चुअल पावर से कनेक्टेड है, वैसे अफेक्टिव डोमेन कनेक्टेड है विद फीलिंग्स, विद वैल्यूज, हमारे मोटिवेशन से, हमारा एटीट्यूड कैसा है उस चीज़ को लेकर, और हम कितना विलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंग ही नहीं है, तो भले ही हमारे सामने कुछ भी रखा रहे, हम उस चीज़ को मतलब उसमें कोई उसके नॉलेज नहीं गेन करेंगे। और अगर हम विलिंग है पार्टिसिपेट करने के, तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी सीख सकते हैं, तो भी पॉजिटिव। अब मेन बात आती है, इसमें कुछ पांच एलिमेंट हैं, जैसे कॉग्निटिव में 6 एलिमेंट थे तो उसमें 5 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट है रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स जहाँ पर जो लर्नर है वो विलिंगनेस टू लिसन, मीन्स जो लर्नर है वो सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए उसकी इच्छा है, सुनने के लिए इच्छा मीन्स वो खुद को अवेयर करना चाहता है, उसमें अवेयरनेस, उसमें जागरूकता आ गई है, वो अभी जागरूक हो गया है किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, सीखने के लिए। तो रिसीविंग मीन्स वो इन्फॉर्मेशन्स को रिसीव करना चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो अवेयर होना चाहता है। फर्स्ट एलिमेंट इज रिसीविंग, विच इज़ सिंपल मीनिंग है इसका बिल्कुल, विलिंगनेस टू लिसन, जहाँ पर जो लर्नर है वो सुनना, लिसन मीन्स सुनना चाहता है, वो विलिंग है उस सुनने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन्स को रिसीव करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन्स नॉलेज को गेन करना चाहता है, वो अपने आप में अवेयरनेस लाना चाहता है। तो ये होते हमारी रिसीविंग। सेकंड इज रिस्पोंडिंग। अब ये स्टेजेस भी हैं जैसे डिस्कस किया, तो रिसीविंग के बाद सेकंड स्टेज रिस्पोंडिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट इज कैरेक्टराइजेशन। तो सेकंड वन इज रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग मीन्स वो रिस्पोंड कर रहा है, रिस्पोंड मीन्स वो जवाब दे रहा है, यहाँ पर वो अटेंड कर रहा है दूसरों को, उनको जवाब दे रहा है। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट मीन्स वो दूसरों के साथ, दूसरों को अटेंड कर रहा है, दूसरों के साथ बात कर रहा है, दूसरों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि वही मेन बात, अगर आप में किसी भी काम को करने की इच्छा ही नहीं है तो वो मतलब नॉर्मली इम्पॉसिबल हो गई ना। अगर आपको सोच मान के बैठ गए कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, तो वो अपने आप ही इम्पॉसिबल हो गया। और अगर आप में विलिंग है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो अपने आप धीरे धीरे पॉसिबल आप कर लोगे, रुक के कर लोगे, थोड़ा टाइम लगाओगे, बट वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए विलिंग हो और वो होगा ही नहीं, विलिंग हो तो वो काम बनेगा भी।
तो रिस्पोंडिंग मीन्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट. विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट मतलब वो पार्टिसिपेट, वो भाग लेना चाहता है दूसरी एक्टिविटीज़ में, वो दूसरों को रिस्पोंड कर रहा है. एक तो वो एक तरफ बैठा रहे जहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, बट अभी अफेक्टिव डोमेन में लिखा हुआ है कि रिस्पोंडिंग मीन्स वो रिस्पोंड कर रहा है, वो दूसरों को रिप्लाई भी कर रहा है, वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है दूसरों के साथ साथ, वो दूसरों को अटेंड भी कर रहा है. थर्ड वन इज़ वैल्यूइंग. वैल्यूइंग मीन्स विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व्ड. वैल्यूइंग में क्या है कि जो पर्सन है, जो लर्नर है, वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. मीन्स वही बात, दूसरों की वैल्यू समझ, दूसरों के साथ वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है, दूसरों के साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है. अभी इसमें मेन वर्ड क्या है, विलिंगनेस. कि अगर अफेक्टिव डोमेन मीन्स विलिंगनेस, कि अगर आप में किसी चीज़ को करने की इच्छा ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, वैल्यूज ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे. बट अफेक्टिव डोमेन डील विथ विलिंगनेस, कि आप में इच्छा है, आप में इच्छा है कि आप सुनोगे, अवेयर रहोगे, आप में इच्छा है कि आप पार्टिसिपेट करोगे. वैल्यूइंग मीन्स आप में इच्छा है, आप विलिंग हो कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, आप उसमें उसकी वैल्यू क्रिएट करोगे. फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ आइडिया. कि जहाँ पर वो खुद से कोई आइडिया एडवोकेट करने के विलिंग है, खुद से कोई आइडिया देने को तैयार है, खुद से किसी आइडिया पर डील करने को तैयार है. तो विलिंगनेस मीन्स तैयार रहना, इच्छा होना. तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जहाँ पर वो एक आइडिया को ऑर्गेनाइज करता है, एक आइडिया को एडवोकेट करता है, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. क्योंकि ये सब काम कब होगा, जब उसमें मोटिवेशन होगा. अगर उसमें मोटिवेशन नहीं है तो वो कुछ भी एडवोकेट नहीं करेगा, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करेगा. इसी वजह से कीवर्ड याद रखने चाहिए आपको, वैल्यूज़, मोटिवेशन, एटीट्यूड. उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो मोटिवेटेड है, इसी वजह से वो किसी आइडिया को एडवोकेट कर रहा है. एंड लास्ट वन इज़ करेक्टराइजेशन. करेक्टराइजेशन मीन्स विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर. कि अभी वो लास्ट इतना मोटिवेट हो चुका है, उसके पास इतनी नॉलेज है, इतना वो कैपेबल हो गया है कि वो किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी क्षमता है. मतलब वो एबल हो गया है किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट, करेक्टराइजेशन मीन्स उसका करेक्टर है, उसमें इंटरनली इतना मोटिवेटेड है वो कि वो किसी के बिहेवियर को, किसी के लाइफ के तरीके, किसी के भी लाइफ को वो चेंज करने की क्षमता रखता है, उसकी इच्छा रखता है कि वो किसी के लाइफ को चेंज कर सकता है. बिकॉज वो मोटिवेटेड है, उसके पास अवेयरनेस है कि जो है वर्ल्ड में ऐसा कुछ चल रहा है. वो अवेयरनेस है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया है, वो इन्वॉल्व हुआ है दूसरे चीज़ों के साथ. अवेयर है बिकॉज उसने खुद से आइडिया को डेवलप किया, खुद से आइडिया को एडवोकेट किया है. इस वजह से उसमें वो करेक्टराइजेशन में क्या होता है, लास्ट पॉइंट आ गया है हमारा, जहाँ पर वो किसी के बिहेवियर को चेंज करने का विलिंग है, किसी के बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है. फर्स्ट इज रिसीविंग, सेकेंड रिस्पोंडिंग, थर्ड इज वैल्यूइंग, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजिंग, एंड फिफ्थ इज करेक्टराइजेशन. तो ये था हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसमें आपको मेन कीवर्ड्स भी याद रखने हैं. विलिंगनेस कीवर्ड है इसका, मोटिवेशन है, फीलिंग है, वैल्यूज़ है. क्योंकि एग्ज़ाम में सेट होता है क्वेश्चन इस टाइप से कि कौन सा डोमेन है वो डील करता है वैल्यूज से, कौन सा डोमेन डील करता है फीलिंग से. तो सिंपल सी बात, वो कौन सा डोमेन होगा, अफेक्टिव डोमेन. अगर आपको इस अफेक्टिव डोमेन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है. कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए.